दोस्तों, आपने बड़े बड़े डैम देखे होंगे और उनमें घूमे भी होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि डैम के पानी से बिजली कैसे बनती है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, डैम के अंदर लाखों करोड़ों लीटर पानी जमा होता है। ऐसे में डैम टूट जाए तो भारी तबाही के साथ आसपास के इलाकों को बर्बाद कर देता है। सबसे पहले डैम बनाने के लिए एक नदी का सहारा लिया जाता है और इंजीनियर के द्वारा इस पानी को रोककर रिजर्वायर में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस पानी को बाहर निकालने के लिए रिजर्वायर में मोटी मोटी पाइपें लगी होती है। पाइपों से पानी निकलकर टरबाइन पर गिरता है। ये टरबाइन एक जनरेटर से कनेक्ट रहती है। जब पानी का फ्लो टरबाइन पर पड़ता है तो टरबाइन तेज गति से घूमती है। इसके साथ जनरेटर भी घूमने लगता है और जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेती है। फिर ट्रांसफार्मर की मदद से इनका वोल्टेज बढ़ाकर हाई टेंशन टावर से बिजली को शहर तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।